नमस्कार, मी विलास आडे, डीडी न्यूज मराठी मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूयाच्या ठळक घडामोडी। जय सेवालाल, मैं हूं विलास आडे। आप सभी लोगों का फिर से एक बार आज इस मध भरी शाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 बजे सुबह 11 बजे गोरबौली के प्रकांड पंडित, उच्च कोटि के विद्वान, इतिहासकार, लेखक, संशोधक आदरणीय भीमनी पुत्र मोहन नायक जी के 3 किताबों का ऑनलाइन विमोचन हो चुका है। लावण, वाते मुंगे मुलारी और प्रोफेसर सुरेश राठौर द्वारा लिखित गे संवाद, इन 3 पुस्तकों का विमोचन तमाम बंजारा समुदाय के लोगों ने ऑनलाइन देखा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे जितने भी खोजकर्ता है, संशोधक है, इन मराठी भाषा में लिखित इन 3 पुस्तकों का अलग अलग भारतीय भाषा में संस्करण करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। और उम्मीद ये भी लगी है कि लावण जैसे अप्रतिम रचना है मोहन जी नायक की, हमारी गौर संस्कृति की सुंदरता, संस्कार और श्रृंगार, साज, संकेत, सभ्यता, गीत संगीत, इन तमाम चीज़ों का जिक्र इस पुस्तक में हुआ है। मैंने वही हाल में किताब पढ़ी है। और यदि ये अंग्रेजी भाषा में जाती है, पर्शियन भाषा में जाती है, उर्दू में जाती है, अनुवादित होती है, रशियन भाषा में अनुवादित होती है, जापानीज भाषा में अनुवादित होती है, तो सारी देश में कोहराम मच जाएगा। इतना सुंदर इस किताब को उन्होंने लिखा है। हमारी संस्कृति के सारे वर्णन, हमारी महान वैभवशाली संस्कृति के एक एक शब्दों का, अलंकारों का, सुंदरता का जिक्र उन्होंने इस किताब में किया है। और मैं इंडिया टीवी का संवाददाता और टीटीवी न्यूज़ नेटवर्क का चेयरमैन, मेरे ग्रुप की ओर से मैं और मेरे इस पूरे न्यूज़ ग्रुप की ओर से मैं आप सभी लोगों को और आदरणीय भीमनी पुत्र मोहन नायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले दिनों में उनसे उम्मीद है, आशा लगी है, और बेहतरीन से बेहतरीन किताबें लिखेंगे। और हम तमाम जो वाचक है ये इंतज़ार करेंगे कि आने वाले दिनों में और सारी किताबें उनके हाथों से निर्माण हो, अनेक पहलुओं की रचना उनके किताबों में संदर्भित हो, अंतर्भूत हो, यही उम्मीद करते हैं। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवालाल।